हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 8th और 9th ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट से लेकर 5th ऑफ सितंबर तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज आए थे वो सबको डाल दिया है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो। 5th ऑफ सितंबर को एक आता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, जो मैंने उस दिन मिस कर दिया था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5th ऑफ सितंबर को आता है, क्योंकि इस दिन 5th ऑफ सितंबर को होती है डेथ एनिवर्सरी किसकी, मदर टेरेसा की, राइट। तो मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी आती है कब, 5th ऑफ सितंबर को, राइट। तो डेथ एनिवर्सरी पे जो डे सेलिब्रेट होता है वो कौन सा है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7th सितंबर में गणेश चतुर्थी आता है, परशुराम पर्व आता है, जैनिज्म का फेस्टिवल है, ये हम कर चुके हैं। और एक और डे आता है 7th ऑफ सितंबर को, दैट इज ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे। ब्राजील का इंडिपेंडेंस डे आता है 7th ऑफ सितंबर को। 7th ऑफ सितंबर 1822 को ब्राजील को इंडिपेंडेंस मिली थी किससे, पोर्चुगीज से, राइट। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान में रख लेना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 8th ऑफ सितंबर पे। तो 8th ऑफ सितंबर को एक आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कौन सा है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी लिटरेसी की बात होती है, तो उसी से रिलेटेड है ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सस्टेनेबल गोल्स को प्रमोट करने के लिए है बेसिकली ये। तो इसका थीम क्या है इस साल का, तो इसका थीम है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। सेकेंड जो डे आता है 8th ऑफ सितंबर को, दैट इज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। फिजिकल थेरेपी, जो हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो फिजिकल थेरेपी डे कब आता है, 8th ऑफ सितंबर को। और इसका थीम क्या है, इसका थीम है LBP, लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, राइट। लो बैक पेन जो होती है तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो फिजियोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का क्या रोल है लो बैक पेन को कम करने के लिए, राइट। तो ये है इसका थीम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का या फिजिकल थेरेपी डे का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट असेंबली पासेस बिल टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ इलीगल कलोनीज। इलीगल कलोनीज क्या होती है, इलीगल कलोनीज कई बार जैसे होता है प्लॉट्स वगैरह खरीदते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, टोकन अमाउंट ऑफ मनी भी दे देते हैं, पैसा भी दे देते हैं, लेकिन बाद में जब हम रजिस्ट्री पे जाते हैं ना, तो उस टाइम पे पता चलता है कि वो जो वहाँ की लैंड है ना, जहाँ पे हमने प्लॉट ले रखा है, तो वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है। तो अब कई बार ऐसा करते हैं एजेंट वगैरह जो होते हैं जिनके थ्रू हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें कुछ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है हम ले लेते हैं, मतलब हमें दे दी जाती है, हम जानबूझकर तो क्यों ही लेंगे, हमें दे दी जाती है। तो उससे रिलेटेड ये बिल है इलीगल कलोनीज। जो बेच रहा है उसको भी पनिशमेंट होगी और जो खरीद रहा है उसको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे उस केस में, राइट। तो कौन सी स्टेट असेंबली ने ये बिल जो है वो पास करा है टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ इलीगल कलोनीज, इलीगल कलोनीज को रोकने के लिए ये बिल पास हुआ है, कौन सी स्टेट में, पंजाब स्टेट के अंदर ये बिल पास हुआ है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट पासेस बिल अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, उसने अपना इलेक्शन जीता है, इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं ना इलेक्शंस में खड़े होते हैं, कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होते हैं और बाकी जो पार्टी वाले तो होते ही हैं। तो जैसे कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट है, वो इंडिविजुअली अपना जीत कर गया है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उसके बाद 6 महीने तक वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, राइट। 6 महीने तक वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। या फिर दूसरा होता है कि जैसे किसी पार्टी में किसी ने इलेक्शंस लड़े हैं, तो उस पार्टी के थ्रू वो इलेक्शन जीत कर गया है वहां पे, तो उसके बाद वो 6 महीने तक पार्टी चेंज नहीं कर सकता या अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो ये सब चीजें आती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर,
राइट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन कौन सी चीजें आती है कि कोई भी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर गया है, जिस पार्टी से जीत कर गया है, 6 महीने तक वो पार्टी छोड़ नहीं सकता, अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं कुछ बोल सकता, या कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट है तो वो इंडिविजुअली ही वहां पे जाएगा लोकसभा के अंदर, तो उसको ऐसे नहीं है कि वो जाते ही कोई पार्टी ज्वाइन कर लेगा, तो 6 महीने तक वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, राइट। तो ये कहाँ पे मेंशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल या शेड्यूल में मेंशन है, तो ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अंदर। कौन सा शेड्यूल है? 10th शेड्यूल में ये मेंशन है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। तो रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बिल पास करा है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, के एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है कोई भी मिनिस्टर, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये पास करा है कि स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होती है उसमें अगर कोई भी ऐसा मिनिस्टर ऐसा करता है कि अगर वो अपनी पार्टी चेंज कर रहा है या अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है या कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल रहा है, तो अगर इस तरह का कुछ केस होता है तो उस केस में उसको अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और डिस्क्वालीफाई अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर वो पर्सन हो रहा है तो उस केस में उसको आगे पेंशन नहीं दी जाएगी, राइट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल पास करा है? ये बिल पास करा है हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है विष्णु युद्ध अभ्यास। विष्णु युद्ध अभ्यास अ पैंडेमिक प्रिपेयरनेस ड्रिल अंडर वन हेल्थ मिशन हेल्ड इन। विष्णु युद्ध अभ्यास ये क्या है? ये एक पैंडेमिक प्रिपेयरनेस रिलेटेड ड्रिल हुआ है। ड्रिल एक तरह की एक्सरसाइज हुई है। तो इसमें हुआ क्या है विष्णु युद्ध अभ्यास के अंदर? इसमें है कि इन केस कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, कोई महामारी जैसी कोई सिचुएशन आती है, या फिर कोई जूनॉटिक डिजीज आती है। जूनॉटिक डिजीज होती है जैसे कोई एनिमल से ह्यूमन बींग्स में होती है जो डिजीज, तो उस केस में हम कैसे खुद को तैयार करें, तो उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज हुई है रिसेंटली। तो ये जो एक्सरसाइज हुई है ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है राजस्थान के अंदर। कहाँ पे हुई है? राजस्थान के अंदर ये हुई है। राजस्थान में एग्जैक्टली कहाँ पे हुई है? अजमेर में हुई है, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट अनवील्स वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट। क्या है ये वृंदावन ग्राम स्कीम? वृंदावन ग्राम स्कीम का मेन एम क्या है? इसका मेन एम है मॉडल विलेजेस बनाना। मेन एम क्या है? मॉडल विलेजेस बनाना। मॉडल विलेजेस बनाना इसका मेन एम है। तो अब वृंदावन ग्राम स्कीम के अंदर मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड विलेजेस जो होंगे उनको मॉडल विलेज बनाया जाएगा, वहां पे काउ प्रोटेक्शन करी जाएगी। तो मेन एम है इसका मॉडल विलेज बनाना, काउ को प्रोटेक्ट करना, काउ प्रोटेक्शन, काउ को प्रोटेक्ट करना है, और हमें अपने जो स्टेट है वहाँ की मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो ये कुछ एम है वृंदावन ग्राम स्कीम के। फिर सेकेंड है गीता भवन प्रोजेक्ट। गीता भवन प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? इसका एम है कि लोगों की जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, राइट, लोगों की जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको इंक्रीज करना, राइट, स्पिरिचुअल नॉलेज को इंक्रीज करना है गीता भवन प्रोजेक्ट के अंदर। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको इंक्रीज करना है, जो गीता है, गीता जो होली बुक है, तो उसके बारे में लोगों को बताना, उसका जो रियल मीनिंग है, इन डेप्थ जो मीनिंग उसके अंदर दे रखा है, तो उसके बारे में लोगों को नॉलेज देना। तो ये है गीता भवन प्रोजेक्ट, राइट। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ये लेकर आई है? वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट, तो ये लेकर आई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 4th एडिशन ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट। 4th एडिशन का इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट हो रहा है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट का मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो बाकी की कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है? एक तो इंडिया है ही है, इंडिया तो है ही, इंडिया के अंदर ही ये हो रहा है। इंडिया के साथ सीरिया है और मॉरिशियस है, तो ये कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। 4th एडिशन का ये टूर्नामेंट है। कहाँ पे हो रहा है ये? तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में। तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्टिव मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज।
एक्टिव मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है ये? एक्टिव मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब देखो मोबिलिटी मतलब जो मूवमेंट होती है, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब कुछ होते हैं जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं वो वॉक करते हैं, या फिर कुछ साइकिलिंग पे जा रहे हैं साइकिलिंग कर रहे हैं या साइकिल पे जा रहे हैं। कुछ होते हैं ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई अपनी ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है। तो अब देखो इसी से रिलेटेड ये एक्टिव मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये सेटअप होने जा रहा है। ये पहला इस तरह का है जो है मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसको कौन सेटअप कर रहा है, कौन सी सिटी में ये सेटअप होने जा रहा है? ये सेटअप होने जा रहा है बेंगलुरु के अंदर। सो दैट कि हम एक सस्टेनेबल तरीके से सब चीज़ों को मैनेज कर सके। ऐसे नहीं है कि जो वॉक करने वाला पर्सन है उसी के बीच में साथ में गाड़ियां चल रही है, साथ में साइकिल वाला जा रहा है, टू व्हीलर फोर व्हीलर वॉकिंग सब पर्सन एक ही रोड पे चल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें मैनेज करना है, एक सस्टेनेबल तरीके से उनको मैनेज करना है, राइट। तो उससे रिलेटेड ये इनिशिएटिव है। तो कौन सी सिटी में होने जा रहा है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है वोखा साथी हु गेट्स गोल्ड अवार्ड। वोखा साथी क्या है? वोखा साथी एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। क्या है ये? एक व्हाट्सएप चैटबॉट है ये वोखा साथी। तो इसको ये नॉर्थ ईस्ट का है, वोखा साथी जो है नॉर्थ ईस्ट का व्हाट्सएप चैटबॉट है। तो इसको रिसेंटली एक गोल्ड अवार्ड मिला है और नेशनल अवार्ड मिला है, राइट। गोल्ड अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस के लिए। किसके लिए? ई गवर्नेंस स्कीम के लिए मिला है गोल्ड अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड 2023-24 के लिए। तो ये कौन सी स्टेट का है वोखा साथी जो चैटबॉट है, ये कौन सी स्टेट का है? तो ये है नागालैंड का। कौन सी स्टेट का है? ये नागालैंड का है। अब ये जो सेरेमनी हुई थी तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। सेरेमनी जो हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। 27th एडिशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ई गवर्नेंस पे मुंबई महाराष्ट्र में, जहाँ पे इनको ये गोल्ड अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला है। वोखा साथी क्या है? साथी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट AI based assistant for timely help and interface. Smart AI based assistant for timely help and interface. तो ये क्या है? एक WhatsApp chatbot है। कौन सी state का है? Nagaland का है। याद रखना है Nagaland। कौन सी state का है? ये Nagaland का है। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियल पैरिस। लॉरियल पैरिस की नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किसको अपॉइंट करा गया है? तो उसको अपॉइंट किया गया है आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है लुइस स्वारेज हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इज फ्रॉम विच कंट्री। तो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ली है तो ऑब्वियसली ये फुटबॉल प्लेयर है लुइस स्वारेज। तो अब ये कौन सी गेम से रिलेटेड है ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो फुटबॉल प्लेयर थे, अब कौन सी कंट्री से है? तो ये है उरुग्वाई के। कौन सी कंट्री के है? उरुग्वाई के हैं और फुटबॉल प्लेयर है लुइस स्वारेज। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज राजस्थान रॉयल्स हेड कोच फॉर IPL 2025। IPL 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो है राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हार्ट एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग। बुक है एक द हार्ट एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग। तो ये जो बुक है ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये लॉन्च हुई है तमिलनाडु में। कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो इसके ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम है बी पुरुषोत्तम ऑथर का नाम है। और इसको रिलीज किसने करा है? इसको रिलीज करा है जो वहाँ के स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो मिनिस्टर है तमिलनाडु के, अबिल महेश पुआमोजी। तो इन्होंने इसको रिलीज करा है इस बुक को। ऑथर का नाम है बी पुरुषोत्तम। नेक्स्ट है हु पब्लिशेस द बुक। बुक का नाम है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर टू द मून द सन एंड बियॉन्ड। बुक का नाम क्या है? काफी लंबा नाम है, इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून द सन एंड बियॉन्ड। तो ये है बुक का नाम। तो इस बुक को पब्लिश किसने करा है? पब्लिशर कौन है? तो पब्लिशर है हिंदू ग्रुप पब्लिशर्स। पब्लिशर कौन है? द हिंदू ग्रुप पब्लिशर्स।
तो इसको रिलीज किसने करा है? रिलीज करा है इसरो के जो चेयरमैन है। कौन है इसरो के चेयरमैन? एस सोमनाथ। तो इन्होंने इस बुक को रिलीज करा है। और इस बुक को जो है, ये बुक, इस बुक को कंपाइल किसने करा है? क्योंकि इसमें अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन लेकर ये बुक जो है कंपाइल करी गई है। तो इसको किसने कंपाइल करा है? टी एस सुब्रमण्यन ने। किसने कंपाइल करा है? टी एस सुब्रमण्यन ने। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड? अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड। तो इसके ऑथर का नाम है मिस्टर कुलदीप गुप्ता। ऑथर का नाम क्या है? कुलदीप गुप्ता। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।